सो व्हाट्स इन माय थाली टुडे, लेट्स सी। फ्रेंड्स, अभी भी मेरा गले में प्रॉब्लम है, इसलिए जो है मैं काफ़ी धीरे धीरे बोल रही हूँ। एंड आपको थाली सोचा दिखा देती हूँ। एक हफ्ते का और मेडिसिन दी है एंड वॉइस रेस्ट भी बोला है डॉक्टर ने, तो मैं थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे बात कर रही हूँ, लेकिन बहुत मन था थाली दिखाने का, तो चलिए थाली दिखा देती हूँ। तो आज मेरी थाली में है बहुत सारा खीरा और साथ में है मूली। तो खीरा अगर आप देख रहे होंगे तो छिलके के साथ है। क्या है कि हमारे अंदर शरीर में दो तरीके के फाइबर चाहिए होते हैं, एक सॉल्युबल फाइबर, दूसरा इनसॉल्युबल फाइबर। तो जो छिलका होता है वो इनसॉल्युबल फाइबर होता है, ये भी हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए जो है मैंने ये छिलके वाला खीरा लिया है, छीला नहीं है इसे। साथ में है मूली जो कि खून को काफ़ी बढ़ाती है, साथ में है बहुत ही साधारण सिंपल मूंग की दाल, साथ में है बूंदी का रायता। वैसे तो बूंदी का रायता अवॉइड करती हूँ, लेकिन कुछ गेस्ट आए थे, बना था तो मैंने सोचा चलो खा लूँ। और हाँ, मैंने डॉक्टर से पूछ लिया, उन्होंने बोला कि मैं बूंदी का रायता मतलब दही खा सकती हूँ, ये नहीं बोला बूंदी का रायता खा सकती हूँ, दही खा सकती हूँ, क्योंकि दही अच्छा रहता है स्टमक के लिए, और बाहर रख दे अगर एक डेढ़ घंटा पहले तो आराम से खा सकती हूँ। तो ये दही ज़्यादा खट्टा नहीं है और बाहर रख दिया था, तो मैं कंज्यूम करने जा रही हूँ। साथ में है गोभी आलू की थोड़ी सी सब्ज़ी, वो देखिए मेरा फ़ोन भी नज़र आ रहा है साथ में, और साथ में ये राइस है, ये है एक्चुअली सोयाबीन का पुलाव। और क्योंकि मैं इतना सारा सैलड पहले खाऊंगी, फिर साथ में थोड़ी दाल सब्ज़ी खाऊंगी, तो हमें अनाज की बहुत ज़्यादा भूख नहीं रहती, और यही मेरा एक तरीका है पोषण कंट्रोल का, तो राइस इतने ही मुझे काफ़ी हो जाएंगे। सो दिस इज़ माय हैप्पी हेल्दी लंच। आप भी इंजॉय कीजिए अपना हैप्पी हेल्दी लंच एंड मेरे साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ प्रे फॉर मी कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ।